इलाके में एक नए निर्माण स्थल द्वारकेश बंगलो में एक कंटेनर कार्यालय से दो पंखे, एक फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सहित कई सामान चोरी हो गए और इसकी शिकायत उत्तराण पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। आखिरकार पुलिस ने भीषण गर्मी में फ्रिज और पंखा चोरी करने वाले दो आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस भीषण गर्मी में रेफ्रिजरेटर, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी और अन्य सामान चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच उत्तराण पुलिस को सूचना मिली कि जिन आरोपियों ने इस घर में चोरी की है वे सभी सामान बेचने जा रहे हैं। आखिरकार सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 वर्षीय मुकेश परमार और 20 वर्षीय रोहित सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर कंटेनर के ऑफिस में रखे दो टेबल फैन, लोहे का गैस स्टोव, ग्रे कलर का फ्रिज, दो पानी के जग, गैस की बोतल, तीन पैन, ड्रिल मशीन, दो लोहे की खाट सहित इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजर चोरी कर ली। गर्मी से बचने और उपयोग के लिए इन सभी वस्तुओं का कंटेनर कार्यालय में रखा गया था। पैसों की ज़रूरत पड़ने पर आरोपियों को जो भी मिला उसे चुरा कर भाग गए, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराण थाने के इंस्पेक्टर HD महंत के मुताबिक चोरी की घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक ऑटो रिक्शा भी जब्त किया गया है और कुल 67,300 रुपये का माल बरामद किया गया। संवाददाता सुजाता वर्ढेर, BHP न्यूज़, सूरत।